नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए फिर आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक अच्छे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि हिंदी में लिखा गया है, मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस यानी गिवेन फिगर जो है वह एक स्क्वायर है, उसमें पीटी से टी क्यू का रेशियो दिया गया है 1:2, वहीं क्यू यू से यू आर का रेशियो भी दिया गया है, 3:1 का रेशियो है, और आर वी से वी एस का रेशियो दिया गया है, 1:1 का रेशियो है। और अब आपको बताना है कि शेडेड पार्ट यानी कि जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे शेडेड एस टी यू भी जो शेडेड पार्ट है, उससे जो अनशेडेड पार्ट है यानी कि तीन जो अनशेडेड ट्रेंगल बन रहा है उन तीनों के सम का रेशियो बताना है। आप देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे यदि आप P से Q निकालना चाहे, PT TQ का रेशियो 1:2 है, तो P से Q निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 3। वहीं QU और UR का रेशियो 3:1 है यानी Q से R निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 4, और R से S निकालना चाहे इसी तरीके से तो 2। आपने क्या देखा कि PQ तो 3 आया, QR 4 आया, जबकि RS 2 आया, और एक गिवेन फिगर स्क्वायर है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसका तीनों साइड अलग अलग हो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि इस स्क्वायर के साइड को सेम करना पड़ेगा। इसके लिए इन तीनों को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी इस सबको हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, दूसरे वाले में 3 से, और तीसरे वाले में 6 से। यदि आप पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाला जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 4:8। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने पे 9:3, और थर्ड वाला हो जाएगा 6:6। यानी पीटी से टी क्यू इसका रेशियो क्या आ गया 4:8, यानी 4:8। अगर मैं पीटी को 4 यूनिट मानू तो टी क्यू 8 यूनिट हो जाएगा। वैसे ही क्यू यू से यू आर का रेशियो कितना है 9:3 का, तो क्यू से यू को यदि मैं 9 यूनिट मानू तो यू आर वाला कितना हो जाएगा 3 यूनिट। वैसे ही आर वी से वी एस का रेशियो क्या है 6:6 का, यानी मैं आर वी को यदि 6 यूनिट मानू तो वी एस कितना हो जाएगा 6 यूनिट। और स्क्वायर का साइड है कितना 12 है, तो यानी ये वाला कितना हो जाएगा 12 यूनिट। अब आप इजिली क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं जो भी निकालना है। अब आप अगर अनशेडेड पार्ट को निकालना चाहेंगे यानी मैं पहले इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1/2 × 12 और 4, क्योंकि 1/2 × बेस इंटू हाइट होता है, यहां पे बेस 4 यूनिट है और हाइट 12 यूनिट है, प्लस 1/2 × यदि मैं इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना चाहूं तो इसका क्या हो जाएगा 9 प्लस। उसी तरीके से यदि आप इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना चाहें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा प्लस 1/2 × 3:6, यानी यहां से आ गया 12 × 4 = 48 प्लस 4 × 9 = 36 और प्लस 3 × 3 = 9, यानी 36 × 9 = 45 + 65 = 69, यानी अनशेडेड पार्ट का एरिया कितना हो गया 69। और अब शेडेड पार्ट का निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया में से अनशेडेड पार्ट को घटा देते हैं। स्क्वायर 12 सेंटीमीटर भुजा, सॉरी 12 सेंटीमीटर नहीं, 12 यूनिट भुजा का है, यानी स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 144 यूनिट स्क्वायर का एरिया हो गया। तो 144 में से यदि मैं 69 को माइनस कर दूं तो जो शेडेड पार्ट है वो वाला निकल जाएगा, और अनशेडेड पार्ट तो हमें पता ही है 69, यानी यहां से आ गया 75:69 है, तो 25:23 का रेशियो हो गया शेडेड और अनशेडेड पार्ट में, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी हो गया। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जितना अधिक हो सकता है शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियो मैं डालूं उसका लाभ सबको मिल सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।